हमने जिंदगी में पहली बार ऐसा करिश्मा देखा है। बापू का ये अजीब करिश्मा यानी चमत्कार देखकर मैं हैरत अंगेज यानी आश्चर्यचकित हो गया, स्तब्ध हो गया। डॉक्टरों ने इसकी लाश पर कफन भी डाल दिया, ये मर गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ शायद कोई सच मानेगा। डॉक्टरों ने इसे बैठा देखकर हैरानी हो गई। घर वालों ने बताया कि 10 बजे मेरे जिस्म को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाने वाले थे, अर्थी निकालने की तैयारी। महाराष्ट्र के एक मुसलमान भाई ने, सपरिवार बापूजी थे, मंत्र दीक्षा ली हुई थी। 2009 की उस साधक की घटना है। ये सज्जन बापूजी के सत्संग में जाने के लिए तैयार हुए, किंतु रात को 2 बजे एकाएक उनको सीने में यानी छाती में दर्द होने लगा। घर वाले इसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बता के ऑपरेशन कराने को कहा और इसे ICU इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर दिया। तनिक थोड़ा होश था, बापू मेरे साथ ये क्या हो रहा है, अब आप ही संभालना। इस प्रकार मन ही मन बापू से प्रार्थना कर रहा था। वो कहता है कि कुछ समय के बाद मेरी हालत ऐसी बिगड़ी और मैं होश खो बैठा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिस्म थे रूह यानी आत्मा, अंतरात्मा निकल गई थी। डॉक्टरों ने मेरी मौत की खबर घर वालों को दे दी थी। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया ये मर चुके हैं। और उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इसकी लाश पर कफन भी डाल दिया था, ये मर गया है। लेकिन उसके बाद जो हुआ शायद कोई सच मानेगा। उसके बाद जो हुआ, जैसे रमण महर्षि अपनी मौत को देख, इसी तरह ये कह रहे, मैंने देखा कि बापू मुझे कह रहे हैं, अरे रहीम मरता कौन है, उठ। मेरी जिस्म थे, जिस्म यानी शरीर, मेरे जिस्म से निकली हुई रूह फिरते मुझ में दाखिल हो गई। मैंने अपने ऊपर पड़े कपड़े को हटाया और उठकर बैठ गया। मैं क्या देखता हूँ कि बापू साक्षात मेरे सामने आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े हुए हैं। बापू ने मेरे सिर पर हाथ घुमाया और कहा, बेटे जीते रहो, घबराओ मत, आनंद में रहो, अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। बापू का ये अजीब करिश्मा यानि चमत्कार देखकर मैं हैरत अंगेज यानि आश्चर्यचकित हो गया, स्तब्ध हो गया। अस्पताल वालों ने मुझे बैठा देख के, ये मर गया था, इसको हमने कफन डाल दिया था, घर वालों को बता दिया, ये कहीं प्रेत तो नहीं है। डॉक्टरों ने इसे बैठा देखकर हैरानी हो गई। थोड़ी देर में घर वाले आए तो उनके चेहरे पे भी हैरत यानी आश्चर्य और खुशी के दोनों भाव। डॉक्टरों ने कहा, चाचा आप क्या नसीब लेकर आए हो, हमने तो सुबह ही आपके घर वालों को आपकी मौत की खबर दे दी थी,
हमने जिंदगी में पहली बार ऐसा करिश्मा देखा है। घर वालों ने बताया कि 10 बजे मेरे जिस्म को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाने वाले थे। बोलो, मेरे बेटे ने, मेरे बड़े बेटे ने रिश्तेदारों को भी खबर कर दी थी कि चाचा मर गए हैं। तो 25-50 रिश्तेदार तो घर पे आ गए हैं और अर्थी की तैयारी कर कर आया हूँ। बाप बोलता मैं जिंदा अर्थी निकालने की तैयारी कर रहे थे। ये घटना पूरे गांव में फैल गई और लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। बापूजी ने मुझे नई जिंदगी दी है, बापूजी ने मुझे नई जिंदगी दी है। ऐसे बापू के प्यारे भक्त क्या कहते हैं, हे बापू साथ हो तुम हमारे, बापू साथ हो तुम हमारे, दुनिया को दिखा देंगे मौत को जीने का नया अंदाज सिखा देंगे। हे बापू आप हमारे साथ हैं तो हमारे लिए मौत भी खिलवाड़ है, मौत को भी जीने का नया अंदाज सिखा देंगे। और ये सत्य घटना है। ये सज्जन कहते उसके बाद 11 साल हो गए मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, ना अटैक आया ना कुछ हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझ पर बापूजी की बेमिसाल का अर्थ होता है अनंत कृपा है, जिसका कोई हिसाब नहीं रखा जा सकता है। इनका नाम है सैयद अब्दुल रहीम, मुसलमान भक्त है बापूजी के। एड्रेस है अंबे जोगाई, जिला बीड, महाराष्ट्र। आपको मोबाइल नंबर नोट करना हो तो कर सकते हैं, 8390301212। झूठ बोले कौआ काटे, यह सत्य घटना है। ऐसे कई प्रसंग है कि बापूजी की रहमत से, कृपा से कई लोग, श्री आसारामायण जी का पाठ आप करते हो, मृत गाय को दिया जीवत दाना तब से लोगों ने पहचाना। तो गुरु की, बापू की महिमा अनंत है। ब्रह्मज्ञानी की गत मित ब्रह्मज्ञानी जाने, हमारे बस का रोकने के बापूजी की महिमा हम समझ सके। हम तो अपनी जीवा को पावन करने के लिए बापूजी की महिमा बताया करते हैं।